वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। मेरे भाई, फ़र्ज़ और वाजिब को अगर बैठकर पढ़ेगा जबकि जिस्म में खड़े होने की ताकत है तो फ़र्ज़ और वाजिब दोनों ही अदा नहीं होंगे। उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि इनको खड़े होकर दोबारा से पढ़े। और सुन्नत और नफिल का आपने मसला पूछा, तो सुन्नतों और नफलों को बैठ के पढ़ सकते हैं, ऐसा करना जायज़ है। जिस्म में ताकत होने के बावजूद भी बैठ के पढ़ा जा सकता, मगर सवाब आधा हो जाता है। अलबत्त सुन्नत फ़जर, उसका हुक्म वाजिब ही का है कि अगर जिस्म में ताकत है तो खड़े होकर ही पढ़ना होगा। सुन्नत फ़जर भी अगर बैठ के पढ़ी तो फिर आधा नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।